क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर 16 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 16.3 क्वेश्चन 18। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहाँ कर इसलिए रहे हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, 3-4 लाइन में क्वेश्चन लिखा हुआ है, कई बच्चे पढ़ते ही नहीं, परसेंटेज आ जाती है। अब देखना कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है इन क्लास 11th ऑफ आ स्कूल 40% ऑफ स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स। तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। अब शुरू में तो ये फर्स्ट चैप्टर का दिखाई देगा, 30% बायोलॉजी, 10% बोथ मैथमेटिक्स बायोलॉजी, इफ अ स्टूडेंट सिलेक्ट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी। लास्ट में पता लगता है क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है, तो इसे प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में लिखते हैं। 40% ऑफ द स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स, यानी प्रोबेबिलिटी फॉर मैथमेटिक्स 40%, 40% को लिखेंगे 40/100। फिर कहा है 30% बायोलॉजी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बायोलॉजी 30%, तो परसेंट को लिखेंगे 30/100। 10% बोथ, बोथ यानी जहां बोथ आ जाए तो मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन बायोलॉजी, बोथ बोथ एंड ये दोनों चीजें इंटरसेक्शन है, तो ये 10% है, तो इसको लिखेंगे मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में 10/100। इफ स्टूडेंट सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द फाइंड द प्रोबेबिलिटी ही विल बी सिलेक्टिंग मैथमेटिक्स और यानी यूनियन, बस ये चीजें याद रखनी है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है मैथमेटिक्स यूनियन बायोलॉजी, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला दिखाई देगा अब आपको, ये फर्स्ट चैप्टर का, ये इस तरह से नोट करती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बायोलॉजी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ इंटरसेक्शन बायोलॉजी, तो 40/100 प्लस 30/100 माइनस 10/100, एलसी मिलेंगे 70-10 60/100, 0 से 0, 0.6 आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ 40% 40/100, बायोलॉजी 30% 30/100, मैथमेटिक्स एंड बायो बोथ 10% 10/100, और मैथ और बायो यानी यूनियन पूछा है, तो फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस थर्ड आपका सॉल्यूशन है। क्लियर है?